भागो आंच लगी भाई, भागो भाई आंच लगी गेहूं में। आदमी सारा पहुंच गया था भाई, तो टाइम पे अभी एक ही जड़ पाए, चारों साइड पानी डाल रखे हो ताकि फैले ना। हमारा भाई सारा तो सबका क्या हाल चाल है, वेलकम टू मैंने व्लॉग। आज का व्लॉग भाई खेती के ऊपर है। खेती में जिन्होंने भी फसल कटवा रखी है तो जो भी तार लाइन है स्पेशल उनको जितना हो सके ना टंकी का हैंडल काट के रखो। कबूतरों की वजह से ना आंच लग चुकी है 3 बार, और अभी मैं दिखाऊंगा मेरे लिए और लगी हुई है चारों साइड से ना, एक खेत का ये बचाया है पूरा। बाकी मैं आपको भाई आंच लगी गेहूं में, ये मेरी लेबर थी भाई, आंच यहाँ तक लगी थी, ये तार रहा और यहाँ तक आंच लगी थी, हवा इस साइड थी तो इस साइड आंच पहुंची। 1 2 3 4 5 आदमी सारा पहुंच गया था भाई, तो टाइम पे अभी एक ही जड़ पाए, चारों साइड पानी डाल रखे हो ताकि फैले ना आंच। और अभी पाइप लगा के इसने भाई बुझान लग रहा, ये भाई सब आ गया, गाँव का भी आ गया, कुछ लेबर है मेरी। अरे भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, एक साड़ा जड़ गया जो हमने पूरी एक जगह इकट्ठी की हुई थी, वो एक ही जड़ पाया, नुकसान मतलब हो गया है लेकिन ज़्यादा होने से बच गया, लेकिन थोड़ा हुआ ये भी बहुत ज़्यादा है भाई। ये देख रहे हो आज ये भी जाना था भाई, ये सामने रखा ये वाला, वो भी जाना था, वो भी जाना था, और इसमें लगी चुकी थी। ये तो लेवरों का साथ था जो कि भाई बुझ गई। जा रही है उड़ाने कबूतर, ये जैसे बैठे हैं अभी, कितने सारे हैं देखना, ये जैसे उड़ेंगे जैसे दबाव से एकदम उड़ते हैं ऐसे, ये देखो भाई ये सारे, ये क्या करते हैं, इन तारों पे बैठते हैं, ठीक है, इन तारों पे बैठते हैं और जैसे ही एक साथ में उड़ते हैं तो तार आपस में भिड़ते हैं और पतंगे निकलते हैं, और पतंगे निकलने से भाई आंच लग जाती नीचे पड़ते ही और फिर नुकसान हो जाता है। तो भाई जिसके भी खेतों में तार गुजर रहे हैं इस टाइम पे गेहूं के, क्योंकि सूख पड़ी रहती है चारों साइड जंगल में, जिनके खेतों में भी भाई तार गुजर रहे हैं तो ऐसी फंटी जरूर बंधवाए रखें, नुकसान नहीं होगा भाई, ठीक है। तार भिड़ने से ही आंच लगती है, क्योंकि भाई कैसे कौन लगाएगा किसी के खेत में, तो हम रखवाले आ जाते हैं भाई इनके। जैसा आपको बताया इस टाइम आप टंके का हैंडल काट के रखें और भाई खेत में ही रहें ताकि आग न लगे, दूसरों को भी ना हो अपने खेत में, जो भी ना हो कृपया करके भाई टंकी का हैंडल काट के रखें या फिर